असलम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन रेप्लीकेशन कहते हैं रेप्लिका बन जाने को मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी बन जाने को रेप्लीकेशन कहा जाता है तो डी एन ए के रेप्लीकेशन के दौरान में फॉर्मेशन होती है टू डॉटर डी एन ए मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम वन पैरेंटल डी एन ए मॉलिक्यूल और ये रेप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होती है जिसको प्रेजेंट किया था वाटसन एंड क्रिक ने और जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मीजलसन और स्टाल ने जिन्होंने इकोलाई के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स किए थे और हम ये कहा था कि जो डॉटर डी एन ए तो उनके पास जो दो स्ट्रेंड्स हैं उनमें से एक स्ट्रेंट पेरेंटल स्ट्रेंड होता है और दूसरा स्ट्रेंट न्यूली सिंथिसाइज होता है तो डॉटर डी में एक पेरेंटल स्ट्रेंथ का मौजूद होना ये इंडिकेट करता है कि फिफ्टी परसेंट पेरेंटल इन्फॉर्मेशन कंजर्व हो जाती है और फिफ्टी परसेंट न्यूली सिंथिसाइज होती है इसलिए इस मॉडल को कहा गया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और ये जो डेने की रेप्लिकेशन है ये इन वीवो मतलब कि नेचुरली ये सेल के न्यूक्लियस में परफॉर्म हो रही होती है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल जबकि ये प्रोसेस आर्टिफिशियली भी हो सकता है इन विट्रो मतलब कि लैब में भी हो सकता है बायपोलीमेज चेन रिएक्शन बोली चेन रिएक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में तो यह हमने समझा कि एक डीएनए से दो डॉक्टर डीएनए का बन जाना इसको हम कहते हैं डीएनए एन ए अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो कि हमें चाहिए होते हैं डी की ए के रेप्लीकेशन के दौरान में तो डी हमें खुद चाहिए ताकि हम उससे दो डॉटर डी बना सकें डी के स्टूडेंट्स चाहिए एज ए टेम्पलेट टेम्पलेट का मतलब होता है कि कोई बेस जिसको देख देख कर आप कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर सको तो डीएनए के स्ट्रेंट्स को जो कि पेरेंटल स्ट्रेंथ हैं उनको एंजाइम रीड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रेंथ सिंथेसाइज़ करेंगे तो डीएनए के स्ट्रेंड्स हमें चाहिए होते हैं ताकि हम उनके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रेंड्स बना सकें इसके अलावा हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स का होना भी इंपॉर्टेंट है ताकि डीएनए कंस्ट्रक्ट हो सके तो फोर डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हम चाहिए होते हैं डीएनए को बनाने में उनमें से एक है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड दूसरा है ग्वानी न्यूक्लियोटाइड तीसरा है साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड द फोर्थ वन इज़ द थायमिन न्यूक्लियोटाइड तो ये न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो रहे होते हैं ताकि डीएनए को बना सके इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमें डिफरेंट तरह के एनजाइम्स चाहिए होते हैं अभी हम इन एंजाइम का को हल्का से समझ लेते हैं फिर हम जब डायग्रामेटिकली इस प्रोसेस को देखेंगे तो इनका काम हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा फर्स्ट वन एंज़ाइम जो इस प्रोसेस में आता है काम करने के लिए वो है हेलीकेस हेलिकेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द डीएनए बेसिस और इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से डीएनए के दो स्ट्रेंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं तो जब इनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर से मतलब कि डबल स्टैंडर्ड से वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर तो हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रहा होता है डी के दो स्ट्रेंड्स को एक दूसरे से हटा रहा होता है नेक्स्ट वन इन्जाइम इज़ द डी एन और जो कि प्रेजेंट होता है विद इन द क्लास ऑफ प्रोपो आइसुमेरेज तो इसलिए कभी हम इसको डी एन ए गाई कह देते हैं और कभी इसके क्लास की बेसिस पर हम इसको प्रोपो आइसुमेरेज कह देते हैं ये डी एन ए की कॉइलिंग को ख़त्म करता है क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में या सुपर कॉइल्ड फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस में पड़ा हुआ होता है तो डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान में उस कॉइलिंग को ख़त्म करना डीएनए ए या डीएनए आइसोमेरेजेस का काम होता है फिर हम बात करते हैं आरएनए प्राइमेजेस की ये एक आर को बनाने वाला इंजाइम है जो कि हमें डे के दौरान भी चाहिए होता है ये क्या करता है ये कंस्ट्रक्ट करता है आरएनए के प्राइमर्स को और इस आर के प्राइमर्स में आर के न्यूक्ोटाइडस लगे हुए होते हैं मतलब कि एडेनिन यूरोसिल गवानी और साइटोसिन इसमें एज ए न्यूक्लोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें तयमिन मौजूद नहीं होता है क्योंकि हम आर के न्यूक्लोटाइट्स की बात कर रहे होते हैं अब यहाँ पर डी को बनाने में आर के इंज़ाइम का क्या काम है इसको भी हम डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर में फिर हम बात करते हैं डी एन की तो ये पोलिम थ्री टाइप के होते हैं और जो कि पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए को बनाने में तो इन पोलिम के लिए हम सिंपली पोल का जो वर्ड है वो लिख देते हैं ये इसका सिंपलीफाइड नेम है तो जो थ्री डिफरेंट टाइप के पोलिमरेजेज हैं उनमें एक है पोल वन दूसरा है पोल टू और तीसरा है पोल थ्री अभी जो उसके आगे हमने वन टू थ्री लिखे हुए हैं तो ये हरगिज़ ये इंडिकेट नहीं करते कि पोली मेरीज वन पहले काम करता है डीन के एप्लीकेशन में टू पोल मेरीज़ टू फिर बाद काम में काम करता है पोली मेरीज थ्री सबसे आखिर में काम करता है ऐसा नहीं है बल्कि ये जो वन टू थ्री इनको नेम दिए हुए हैं इनको डिस्कवरी के बेसिस पर दिए गए हैं पोली मेरीज़ वन पहले डिस्कवर हुआ था फिर पोली मेरीज टू हुआ था और फिर पोली मेरीज़ थ्री हुआ था अब इन तीनों पोली के अपने पर्टिकुलर पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में पोली थ्री मेन एंजाइम होता है डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने में पोली वन हेल्प करता है सपोर्ट करता है पोली थ्री को उसकी एक्टिविटी में और जो पोली टू है वो जब न्यू सिंथेसिस हो रही होती है डीएनए के उस दौरान पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन अगर कभी डीएनए डैमेज हो जाता है तो उस डैमज डी को रिपेयर करना इस पोलिमेरेस्ट टू का काम होता है और फिर हम बात करते हैं डीने लाइगेजिस की ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है डी की रेप्लिकेशन में सबसे आखिर में काम कर रहा होता है और डीने लाइगेज एज अ ग्लू काम कर रहा होता है ये दो चीज़ों को आप इसमें जोड़ता है और उनके दरम्या में फास्फोडाइसड बॉन्ड बनाता है तो ये किन चीज़ों को जोड़ रहा होता है ये न्यूक्ोटाइड्स को आप इसमें लिंक करवाता है और इसके अलावा एज अ फैक्टर हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं एस एस बी प्रोटीन्स यानी कि सिंगल स्टेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स जैसा कि उसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो हेलीकेज ने सिंगल स्टैंड बनाए हुए होंगे जो डबल स्टैंड को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट किया होगा तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसको एक दूसरे के साथ दोबारा चिपकने से रोकने के लिए क्योंकि वो जो सिंगल स्टैंड हैं उनमें जो बेसिस प्रेजेंट हैं तो वो अभी भी स्टिल सेपरेट होने के बाद भी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं वो दोबारा से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी हमने रखते हैं तो वह दोबारा से बॉन्ड ना बना पाए तो इसके लिए एस एस बी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये उस सिंगल स्ट्रेंड के साथ आकर लिंक हो जाते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं रीबाइंडिंग या री एनीलिंग ऑफ टम्पलेट डी एन ए स्ट्रेंट्स तो इस तरीके से जो ओपन डीएनए होता है तो वो स्टेबलाइज हो जाता है तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द डिफरेंट फैक्टर जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं डीएनए की रेप्लीकेशन में डीएनए हमें खुद चाहिए होता है ताकि उसी according हम, uh, daughter DNA के अकॉर्डिंग हम डॉक्टर डी एन ए के स्ट्रेंग्स की फॉर्मेशन कर सकें हमें न्यूक्टाइड चाहिए होते हैं डिफरेंट तरह के इंजाइम्स चाहिए होते हैं और हमें एस एस बी प्रोटीन चाहिए होते हैं अब हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है रेप्लीकेशन का उसमें थ्री बेसिक स्टेप्स होते हैं एक है इनिशिएशन दूसरा है एक्सटेंशन या जिसको हम पोलिमिनाइजेशन भी कहते हैं और लास्ट में है टर्मिनेशन तो इस डी रेप्लिकेशन के प्रोसेस को समझने से पहले हम थोड़ा सा डीनए के स्ट्रक्चर पर एक नज़र डाल लेते हैं डी है डी ऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड और ये बहुत ज्यादा न्यूक्लोटाइट से मिलकर बना हुआ होता है और अगर हम एक न्यूक्लोटाइट के स्ट्रक्चर को देखें तो वो उस न्यूक्लोटाइट में प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर जिसको हम डीऑक्सीडाइज तो शुगर भी कहते हैं तो पेंटोस शुगर है मतलब कि फ़ाइव कार्बन शुगर है इसमें फ़ाइव कार्बन होते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव तो जो इसका कार्बन नंबर वन है इस शुगर के कार्बन नंबर वन पे कोई भी नाइट्रोजन बेस अटैच होता है मतलब एडिनिन भी हो सकता है गोअनिन भी हो सकता है साइटोसिन टैमिन कोई सभी एक नाइट्रोजन बेस आकर लिंक हो सकता है और जो इसका कार्बन नंबर थ्री है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है और इसका जो कार्बन नंबर फाइव है दिस वन तो इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप आकर लिंक होता है तो कार्बन नंबर वन नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर थ्री हाइड्रॉक्सन ग्रुप और कार्बन नंबर फाइव फॉस्फेट ग्रुप और हम कहते हैं कि जो डीएनए डबल स्ट्रेंडेड स्ट्रक्चर है तो इसके दो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन कर रहे होते हैं इस तरह एक जा रहा है स्ट्रेंट और दूसरा इस तरीके से आ रहा होता है इसकी जो डायरेक्शन है वो थ्री डैश टू फाइव डैश डायरेक्शन होती है और इस वाले स्ट्रेंट की डायरेक्शन फाइव डैश टू थ्री डैश डायरेक्शन होती है ये डायरेक्शन हम किस बेसिस पर दे रहे होते हैं थ्री से हमारा क्या मतलब होता है और फाइव से हमारा क्या मतलब होता है थ्री से हमारा मतलब ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसका थ्री हाइड्रोगजल ग्रुप खाली है अटैचमेंट के लिए किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ और इस फाइप से हमारा मुराद ये होता है कि ऊपर जो न्यूक्लोटाइट प्रेजेंट है उसका ये वाला पोर्शन मतलब कि जो फॉस्फेट ग्रुप वाला पोर्शन है जो कि फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच हुआ है वो वाली जगह खाली है ताकि किसी दूसरे न्यूक्लोटाइट को एक्सेप्ट कर सके इस तरीके से यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन खाली है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन खाली होती है तो ये दो स्ट्रेंड्स एंटी पैरल डायरेक्शन में रन कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं इस बात का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे एडनिन मौजूद है तो एग्जैक्टली exactly इस स्ट्रेंथ पर उसका जो अपोजिट जो न्यूक्लोटाइट है जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है वो है ताइमिन साइटोसिन है तो उसके आगे लगा हुआ होगा गोवानिन और गोवानिन है तो उसके आगे लगा होगा साइटोसिन अगर यहाँ पर ताइमिन है तो वहाँ पर एडनिन मौजूद होगा तो ये कंसेप्ट है कि एंटीपेरल क्यों होते हैं और ये जो थ्री डैश और फाइव डैश है इसका क्या मतलब होता है तो होप्सो के इस बात की आपको समझ आ गई होगी क्योंकि हम बार बार इस प्रोसेस में इन चीज़ों को रिपीट करेंगे तो पहला जो इसका स्टेप है दैट इज इनिशिएशन उसको हम समझते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन फेज या स्टेप तो इसमें जो रेप्लीकेशन है वो स्टार्ट होती है लेकिन जो रेप्लिकेशन है जहाँ से इंजाइम ने अपना काम परफॉर्म करना होता है वो एक ख़ास रीजन होता है वो एक ख़ास जगह होती है इस डी के मॉलिक्यूल में और उस ख़ास जगह को हम कहते हैं ऑरिजन ऑफ रेप्लिकेशन या हम इसको और रीजन भी कहते हैं ओ आर आई रीजन भी कहते हैं ये ऑरिजन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है ये एक जो स्पेसिफिक जगह है और क्या स्पेसिफ़िक जगह है स्पेसिफ़िक रीजन है जिसमें बहुत ज़्यादा एडेनिन और तायमीन लगे हुए होते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो एजनिन और तयमिन है उसके दरमियान में टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और साइटोसिन और गोवानिन के दरम्यान में थ्री वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो टू बॉन्ड्स को तोड़ना आसान काम होता है हेलिकेज इंजाइन के लिए एज़ कम्पेयर टू थ्री बॉन्ड्स तो वो किसी ऐसी जगह को सेलेक्ट कर लेता है जिसमें बहुत ज़्यादा जो एडिनिन और थायमिन है वो लिंक हुए हो जिनके दरम्यान में डबल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हो ताकि वो इसलिए उसको तोड़ सके और ये हमेशा डीएनए के बीच बीच में से कहीं पर प्रेजेंट होते हैं मतलब कि डीएनए के एंड्स पे नहीं प्रेजेंट होते दरमियान दरमियान में से प्रेजेंट होते हैं तो यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है प्रोकेरियाट के पूरे के पूरे डीएनए में जस्ट वन ऑरी रिजन होता है क्योंकि उसका डीएनए स्मॉल होता है उसके पास ओनली फ्यू जीन्स मौजूद होते हैं इसलिए प्रोकेरियाट में ओनली वन और रिजन है जबकि यूकेरियाट का डीएनए बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो ये बहुत तो ज़्यादा जीन्स है इसके पास तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें मनी ऑरी रिजन होते हैं तो ये बात आपको याद रखनी है प्रोकेरियोर्स और यूकेरियोर्स के हवाले से जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है वो जगह दरमियान की जगह होगी एक खास सीक्वेंस होगा जिसको हम कहते हैं कि ये एटी रिच सीक्वेंस होता है और इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या रीजन अब ये देखिए ये है डी के डबल स्टेंट जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू इसके ये ये जो एक स्टेंट है ये थ्री डैश टू फाइव डैश डायरेक्शन में जा रहा होता है और ये जो दूसरा इसका स्टेंट है वो फाइव डैश टू थ्री डैश डायरेक्शन में जा रहा होता है तो जो हेलीकेज इंजाइम है ये पूरे के पूरे डी के ऊपर घूम रहा होता है तो जहाँ पे इसको ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन मिलता है तो वहाँ पर आकर ये लिंक हो जाता है इस जगह को ये सेलेक्ट कर लेता है और इस जगह को हम कहते हैं ऑरिजन ऑफ रेप्लीकेशन मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ए टी ए टी लिखे हुए हैं ताकि आपको याद रहे कि इस जगह में यानी कि ऑरिजन ऑफ रेप्लीकेशन में ए टी सिक्वेंसेज ज़्यादा मौजूद होते हैं क्योंकि ए और टी के दरम्या में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं उनको तोड़ना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोसिन एंड गवानीन के दरमियान में आगे आगे जाके ये हेलिकेज साइटोसिन और गवानीन के दरम्या में बॉन्ड्स को भी तोड़ेगा लेकिन फिलहाल स्टार्ट करने के लिए इसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाली जगह पसंद होती हैं तो ये है हैलीकेज जो कि आगे लिंक हो जाएगा उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर और इन बेसिस के दरम्या में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना स्टार्ट कर देगा तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे और जो दो स्ट्रेंड्स हैं तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ये इस जगह में ये वाला स्ट्रेन इस तरीके से सेपरेट हो गया है और ये वाला स्ट्रेंड इस तरीके से सेपरेट हो गया, है, ये, से हो गया है। ये है हैलीकेज इन्जाइम तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर है तो अब वो ख़त्म हो चुका है लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि जो सेपरेशन हो जाती है डीएनए की स्ट्रेंथ्स की तो ये जो स्ट्रेंथ है ये भी एज अ टेम्पलेट काम करता है ये जो पेरेंटल स्ट्रेंथ है टेम्पलेट के तौर पे काम कर रहा होता है ताकि इसके आगे हम एक न्यूली जो स्ट्रेंड है वो सिंथेसाइज कर सके और ये वाला जो स्ट्रेंथ है ये भी एज अ टेम्पलेट हम काम कर रहा होता है तो जब इस तरीके से ये स्टूडेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो ये एक बबल की शेप ले लेता है ये वाली जगह जहाँ से हेलीकेज ने अपना काम स्टार्ट किया हुआ होता है तो इस बबल को हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल और जो इस रेप्लिकेशन बबल के साइड्स हैं इनको हम कहते हैं फोक क्योंकि ये वाई शेप्स होते हैं इसलिए इनको फोक कहा जाता है अब जहाँ पे जिस डायरेक्शन में हेलीकेज रन कर रहा होता है उस उस वाले फोक को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक अब ये वाला रेप्लीकेशन फोक नहीं होगा ये वाला रेप्लीकेशन फोक होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में हेलीकेज मूव कर रहा होता है इस डायरेक्शन में वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रहा होता है तो जब इसने हेलीकेज ने दो स्ट्रेंट्स को आप इससे सेपरेट कर दिया और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रहा है और आगे आगे जा रहा है तो जो डी है वो तो कॉइल स्ट्रक्चर है इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने की वजह से जो कॉइलिंग है वो आगे की तरफ मज़ीद तेज़ हो जाती है टाइट हो जाती है अगर आप दो रस्सियों को बीच में से हटाते हो तो उसकी कॉइलिंग फ्रंट से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सुपर कॉइलिंग हो जाती है एक ये मसला हो जाता है कि सामने की तरफ से सुपर कॉइलिंग हो जाती है जिसकी वजह से इस हेलीकेस को आगे जाना मुश्किल हो जाता है और पीछे से इस रेप्लिकेशन बबल में क्या मसला हो जाता है कि जो सिंगल स्टैंड है इसमें जो बेसिस मौजूद हैं तो ये बेसिस स्टिल भी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाने की एबिलिटी रखते हैं तो इस इन दो मसलों को सॉल्व करने के लिए हम बात करते हैं पहले सुपर कॉइलिंग वाली जो प्रॉब्लम है तो इसके लिए एक इंजाइम है जिसको हम कहते हैं डीएनए एन गाइरेज जो कि बिलोंग करता है क्लास ट्रोपो आइसूमे से तो वो आ जाता है और वो इस सुपर कॉयलिंग वाली जगह पे आकर लिंक हो जाता है और इस हेलीकेस से कहता है कि मैं सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करूँगा तो मेरे पीछे पीछे आते जाना और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते जाना तो ये आगे जाता जाएगा ये जो है कॉइलिंग को ख़त्म करेगा डी एन ए को सीधा सीधा कर देगा स्ट्रेट फॉर्म में लेकर आएगा कॉइलिंग को ख़त्म करके और हेलीकेज आगे आगे की तरफ मूव करता जाएगा ताकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता जाए और ये जो सिंगल स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे और इनके जो बेसिस थे वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रख रहे थे तो इस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए मौजूद होते हैं एस एस बी प्रोटीन्स ये एस एस बी प्रोटीन्स उन सिंगल स्टेंट्स के साथ आकर ख़ुद को अटैच करवा देते हैं और इनको पीछे से पकड़े रखते हैं कि दोबारा से हरी अनिल मत हो जाना तो जो सिंगल स्टेंट हैं वो आप इसमें जुड़ते नहीं हैं बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ एस एस बी प्रोटीन्स तो ये हमने पढ़ा अबाउट डेनीसिएशन प्रोसेस हमने कहा कि पूरे के पूरे डीएनए में कुछ खास जगह होती हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है प्रोकैरियोट का डीएनए एन जो कि शॉर्ट होता है फ्यू फ्यू जीन्स होते हैं उसके पास तो इसलिए उसमें जो स्पेसिफिक जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं ऑरिजन ऑफ रेप्लिकेशन और प्रोकैरियोट में ओनली वन होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और यू का डीएनए एन जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होता है तो इसलिए उसके पास मैनी ऑरिजन ऑफ एप्लीकेशन होते हैं ऑरिजन ऑफ एप्लीकेशन बेसिकली है क्या एक ऐसी जगह है जहाँ पे एटी रिच सिक्वेंसेज मौजूद होते हैं तो यहाँ पर इस रीजन को सेलेक्ट किया जाता है ये सेलेक्शन जो है वो हेलिकेज एंजाइम करता है हेलीकेज इंज़ा औरजन ऑफ एप्लीकेशन पर आकर लिंक हो जाता है और वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है तो आगे की तरफ मसला हो जाता है सुपर कॉइलिंग का जिसको ख़त्म करने के लिए आइसोमेरेज आ जाता है वो उस कॉइलिंग को ख़त्म कर रहा होता है डीने को स्ट्रेट फॉर्म में लेकर आ रहा होता है ताकि हेलीकेज आसानी के साथ अपना काम कर सके और जो दो स्ट्रेंड्स एक दूसरे से सपरेट हुए हैं जिन्होंने एक बबल बनाया हुआ है तो वो एक दूसरे के साथ स्टिल री एनिल होने की रखते हैं तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एस एस बी प्रोटीन्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और इसको हम कहते हैं रेप्लीकेशन बबल और ये इसके फॉक्स हैं और जिस डायरेक्शन में हेलीकेस रन कर रहा होता है इसको हम कहते हैं रेप्लीकेशन फॉक तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं दैट इज एक्सटेंशन आर पोलराइजेशन